हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मटर कटलेट। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का या कुछ नाश्ते में ब्रेकफास्ट में अगर आपको सोच रहे हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। तो चलिए हम मटर कटलेट बनाने के लिए सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में मैंने लिया है ये मटर है। टाइम बचाने के लिए मैंने मटर के दाने निकाल कर इन्हें पीस लिया है। मिक्सी के छोटे जार में एक कटोरी लिया है। थोड़ी मैंने धनिया की पत्ती ले ली है और यहाँ पे मिर्ची का पाउडर लिया है, मैं एक चम्मच लिया है। और जो मिर्ची का पाउडर है वो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, ये मैंने एक चम्मच लिया है। आधी चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर लिया है, आधी चम्मच राई है और आधी चम्मच जीरा है। दो छोटे चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। एक चम्मच मैंने नमक ले लिया है। आधी चम्मच धनिया का पाउडर है। और यहाँ पे हम इसे कटलेट बनाने वाले हैं तो मैंने यहाँ पे ब्रेड ली हुई है और हमने कुकिंग ऑयल लिया हुआ है इन्हें फ्राई करने के लिए। तो ये तो हो गई हमारी सामग्री, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर दिया है, पैन को गर्म रख दिया है। इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें राई और जीरा डालेंगे। जीरा और राई हमारे चटक चुके हैं, अब हम डालेंगे इसमें पीसे हुए हमारे जो मटर है। इसे मिक्स करने के बाद हम ये सारे सामान डाल देंगे, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये जो है हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे इसमें डालेंगे हम थोड़ा पानी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से अब्जर्व हो जाए और जो हमारे मटर है ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहे, तो इसलिए हमने पानी को डाला है। और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है ताकि मसाले हमारे अच्छे से मिक्स होकर अच्छे से पक जाए। और इसे हम पकने देंगे जब तक ये अच्छा टाइट हो ना जाए। तो हमारे जो मटर है, हमने जो इसकी स्टफिंग तैयार की है, ये ड्राई हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से सूख चुकी है और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, पक चुके हैं। मैंने इसे लगभग 5 मिनट पकाया है। तो यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं, इसे ठंडा होने का वेट करते हैं। स्टफिंग हमारी ठंडी हो रही है, तब तक के लिए हम ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं। ब्रेड को मैंने एक प्लेट पे ब्रेड को उल्टा करके रख लिया है। यहाँ पे ये जो इसकी आसपास की किनारी है इन्हें हम काट लेंगे। जो ब्राउन ब्राउन है इन्हें हमें निकालना है। इसी तरीके से हम सारी ब्रेड को काट लेते हैं। ब्रेड को हमने काट लिया है, स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है तो इसे हम निकाल लेते हैं। और ये धनिया की पत्ती हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इनकी हम लोइयां तैयार कर लेंगे। आपको जितनी भी ज़्यादा स्टफिंग चाहिए उतनी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बराबर मात्रा में कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए हमें इस तरीके से करना है। मैंने 6 लोइयां तैयार की है तो ऐसे बना बना के रख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इनकी लोइयां तैयार कर ली है सारी। और यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, ये देखिए, और ऑयल को उधर गर्म रख दिया है। इसमें हम ब्रेड डालेंगे इस तरीके से और इसे दबा देंगे। और इसमें एक लोई रखेंगे और इसको ऐसे इसको आसपास से कोडिंग करेंगे। ये देखिए, ये देखिए ये हो चुका है। इसे हम रख देंगे और इसी तरीके से बाकी भी कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे कटलेट तैयार कर लिए हैं, वो आगे की देखते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अच्छी हीट आने लगी है। इसमें हम डालेंगे कटलेट। सारे हमने डाल दिए हैं और
फूल अच्छा हिट रहे तभी आप कटे को डालें। इन्हें पकने देंगे, पहले से इसे हमें टच भी नहीं करना है क्योंकि अगर जल्दी से हम टच करेंगे तो इसमें छेद हो जाएगा और इसमें ऑयल भर जाएगा, इसलिए हमें नहीं करना है। चाहे तो आप इस तरीके से भी हिला सकते हैं इनको। मैंने बहुत ही अच्छे से ऑयल को गर्म किया है और अब लो फ्लेम कर दी है ताकि अच्छे से पक भी जाए, और कोई नोकीले चीज़ों से आपको इसे नहीं टच करना है। मैं जस्ट ऐसे ही कर रही हूँ इन्हें ताकि एक दूसरे से चिपके ना। अब हम इसे चला देंगे, देखिए ये पकने लगे हैं, ये देखिए इस तरीके का इनका कलर चेंज हो गया है। तब हम इन्हें पलटा रहे हैं। कटलेट का आपको यही ध्यान रखना है कि बहुत अच्छा गर्म ऑयल हो जाए उसके बाद ही आपको डालना है, और दूसरा जब थोड़े पकने लगे उसके बाद आपको चला देना है। बहुत ही अच्छा कलर आया है और ये एकदम रेडी हो चुके हैं निकालने के लिए, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए इन्हें हमने सारे कटलेट को निकाल लिया है, थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करते हैं। तो फाइनली मटर कटलेट बनकर तैयार हो गए, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं देखने में भी, और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, आपको काट के दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कितने अच्छे बने हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है, और ये बच्चे बड़े हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। लाइक कर दें, शेयर कर दें चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज़ के साथ। हैप्पी कुकिंग।